Hello students, before starting the chapter, observe all these pictures and guess the answer of the given question. Yes, they all work on the magnetic effects of current, that is electromagnetism. So our chapter name is Magnetic Effects of Current. ठीक है, तो अब इस चैप्टर में हम मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ कंडक्टर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, ये मेन पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में भी. तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के थ्री इफेक्ट्स होते हैं, लाइक हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट. तो जनरली इस चैप्टर में हम मैग्नेटिक इफेक्ट देखने वाले हैं. ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट में क्या होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये बल्ब ग्लो कर रहा है, ग्लो करने के साथ साथ हीट प्रोड्यूस भी करता है आपका बल्ब. ठीक है, तो ये हम कौन से इफेक्ट, क्या कहेंगे इस इफेक्ट को, हीटिंग इफेक्ट. नेक्स्ट केमिकल इफेक्ट मींस द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. वाटर में जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, जब आप करंट देते हैं, तो क्या होता है उसमें, वाटर में इट ब्रेक्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो इस इफेक्ट, करंट के इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट. तो जनरली इन दोनों इफेक्ट्स के बारे में आप अभी नहीं पढ़ रहे हैं, हम थर्ड इफेक्ट की बात करेंगे इस चैप्टर में, एंड दैट विल बी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट. तो अब यहाँ देखिए, आप जैसा कि फर्स्ट आपके पिक्चर में वायर शो हो रही है, अभी वायर में हमने करंट नहीं दिया हुआ है. ठीक है, और वायर के साथ एक मैग्नेटिक कंपास प्लेस किए. नाउ वी कैन सी देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द कंपास. नाउ कैन यू गिव द रीजन, बिकॉज देयर इज नो करंट इन द वायर. तो अगर करंट नहीं है तो मैग्नेटिक कंपास में भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं है. नाउ इन सेकेंड पिक्चर आप देख सकते हैं कि हमने करंट दे दिया वायर में. जैसे करंट हमने दिया तो आपकी मैग्नेटिक कंपास में भी डिफ्लेक्शन शो कर दिए. ठीक है, उसमें नीडल है, वो डिफ्लेक्ट हो गई अपने पाथ से, मूव कर गई अपने पाथ से. मींस इट शोज सम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, क्योंकि आपकी जो मैग्नेटिक कंपास है ये कब मूव करती है, इट जनरली मूव्स इन द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करती है, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है यहाँ पर, तो फोर्स लगने से जो नीडल है वो मूव कर चुकी है. अंडरस्टूड? तो ये हम क्या शो करेंगे इस एक्सपेरिमेंट से, मींस दिस करंट वायर, जो ये वायर में आपने करंट दिया तो इससे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, और जिसने मैग्नेटिक कंपास के ऊपर फोर्स अप्लाई किया है, जिसकी वजह से आपकी नीडल डिफ्लेक्ट हो गई. कैन मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी? क्या इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल है, कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म बनाते हैं तो मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी बनाया जा सकता है? यस. ठीक है, तो हम किस में देखते हैं, वी कैन सी इन द इलेक्ट्रिक जनरेटर. तो इलेक्ट्रिक जनरेटर को इस वीडियो में नहीं लेने वाले हैं, जस्ट विल टेक द मैग्नेटिक इफेक्ट्स. ओके, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. अभी हमने पीछे एक्टिविटी में देखा ये. शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर. जिस तरीके का आपकी कंडक्टर की शेप होगी, उसी अकॉर्डिंग उसका जो फील्ड बनेगा उसका भी अपना शेप हो जाएगा. इट डिपेंड्स ऑन द कंडक्टर. नाउ इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी थ्री शेप्स. द फर्स्ट शेप इज स्ट्रेट वायर, सेकेंड वी हैव टू टेक सर्कुलर लूप, एंड द थर्ड इज सोलिनॉइड. ओके, नाउ विल टेक द फर्स्ट वन, स्ट्रेट वायर. नाउ जैसे ही अब आपने करंट प्रोवाइड किया, करंट दिया वायर में, तो व्हाट हैपेंस, यू कैन सी इन द सेकंड पिक्चर, इट हैज क्रिएटेड अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बना लिए. ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड, ये जो आप सर्कल्स देख रहे हैं, दिस इज द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. अब ये कैसे हमें दिखेगा, जनरली जब आप वायर में करंट देते हैं तो आपको नहीं नजर आते आसपास, दैट फील्ड ओनली इट कैन बी एक्सपीरियंस्ड. ठीक है, उसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते आप इस फील्ड को. तो अब कैसे एक्सपीरियंस करेंगे. ओके, नाउ विल टेक द एग्जाम्पल. इफ आई टेक अ कार्डबोर्ड, एक हमने कार्डबोर्ड लिया और इस वायर में हमने उसको इंसर्ट कर दिया. ठीक है, और उस कार्डबोर्ड के ऊपर कुछ आयरन फाइलिंग्स को स्प्रेड किया. जैसे करंट प्रोवाइड करेंगे, जो वो आयरन फाइलिंग्स हैं उनके ऊपर फोर्स लगेगा, और फोर्स की वजह से वो सभी आयरन फाइलिंग्स आपकी अलाइन हो जाएंगी इस पैटर्न में. दे विल फॉर्म द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अराउंड दिस स्ट्रेट वायर. ठीक है, और जो हम देख सकते हैं फील्ड लाइन्स को,
तो वो फील हुआ ना उन आयरन के ऊपर, क्या लगा, एक फोर्स लगा जिसने उसको एक शेप में अलाइन कर दिया. ओके, नाउ आफ्टर दिस फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ कर ली है, तो आफ्टर, अब इसके बाद बनाने के बाद क्या काम रहता है हमारा, कि हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की. अब जैसा कि बार मैग्नेट में हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया है कि इट मूव्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, बट व्हाट हैपेंस इन दिस केस, अब एक वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, तो उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे. वी हैव द रूल, दैट इज मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल. ओके, अब आप देखिए, जैसा कि आपका वायर में करंट मूव कर रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में आपको अपना थंब रखना है. और कौन सा थंब? राइट हैंड का थंब. ठीक है, डोंट यूज लेफ्ट हैंड. तो राइट हैंड का थंब ऊपर डायरेक्शन में रखेंगे आप, अपवर्ड डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड देन यू विल ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ योर कर्लिंग फिंगर्स. अब आप यहां देखिए फिगर में कि आपका जो कर्लिंग फिंगर्स है, ये सिमिलर वे में जा रही है जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की एरो दिखा रहे हैं. ठीक है, तो जैसा एरो है उसी शेप में, उसी डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स भी मूव कर रही है. अब यहां पर अगर हम थोड़ा सा चेंज लेकर आते हैं, इफ आई मूव दिस करंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इफ आई चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन व्हाट हैपेंस? तो ऑब्वियसली नाउ यू अप्लाई योर राइट हैंड रूल, थंब को अब आप नीचे डायरेक्शन में करेंगे. ठीक है, और जैसे आपने नीचे डायरेक्शन में किया, आपकी जो फिंगर्स हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखाने लग जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, एंड इट विल बी क्लॉकवाइज. अभी फिगर में ये एंटी क्लॉकवाइज है, बट व्हेन द करंट मूव्स डाउनवर्ड देन इट विल बी क्लॉकवाइज. ओके, नाउ फ्रॉम दिस वी हैव कंक्लूडेड दैट द करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट. ठीक है, वो एक मैग्नेट बन जाती है जब आप वायर में करंट देते हैं. Now one question here, why we don't notice magnetism for wires? तो हम notice क्यों नहीं करते हैं? घर में generally आपकी कई wires होती हैं, TV के साथ wire लगी हुई है, आपका mobile charging पर है, उसकी wire है. ठीक है, तो यहाँ आप देखिए picture में some iron clips are placed near the wire, but they are not attracting towards the wire. वो wire की तरफ attract नहीं हो रही है. तो अगर हम ये कहते हैं कि wire एक magnetic field क्रिएट करती है, तो ये क्यों नहीं अट्रैक्ट हो रही है उनकी तरफ? यस, बिकॉज इट हैज वेरी लेस फील्ड. ठीक है, यहाँ देखिए, नाउ वी हैव प्लेस्ड अ बार मैग्नेट, और बार मैग्नेट की तरफ एकदम से अट्रैक्ट हो गई है आपकी आयरन क्लिप्स. नाउ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नीड्स हाई अमाउंट ऑफ करंट. तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बने, तो हमें क्या करना होगा? हमें करंट भी हाई करंट बनाना होगा. ठीक है, वी हैव टू गिव हाई अमाउंट ऑफ करंट. सो फ्रॉम हियर वी कैन हैव द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, दैट इज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ठीक है, ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द मैग्नेटिक फील्ड चेंज बेस्ड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर. अब जैसे जैसे आप वायर से डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आई ड्रॉ इट हियर, यहां देखिए एक वायर है हमारे पास, and the current is flowing through this wire and it forms some magnetic field around it. ठीक है, now I have two points, one point is near the wire and that point I'll name as A point, and one point far away from the wire, that will be B point. Now can you guess where the magnetic field is strong? Yes, very good, at A point it will be strong. ठीक है, अब यहां पर हम क्या रिजल्ट निकालेंगे कि जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होता जाएगा. तो यहां पर क्या रिलेशन हो गया मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस में? दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. अंडरस्टूड? तो वी कैन से ग्रेटर द डिस्टेंस वीकर द मैग्नेटिक फील्ड. तो हमने यहां पर दो फैक्टर्स पढ़ लिए, वन मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द करंट, डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द करंट, एंड द सेकंड पॉइंट इनवर्सली डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस. ओके, नाउ द नेक्स्ट कंडक्टर वी हैव, नेक्स्ट शेप वी हैव अ सर्कुलर लूप. अब हमने स्ट्रेट कंडक्टर को टर्न करके एक सर्कुलर लूप बना दिए. ठीक है, अब सर्कुलर लूप में करंट देंगे, तो हमें यहां पर बच्चे आपको सबको ये पता होना चाहिए कि हमने करंट एक स्ट्रेट वायर को सर्कुलर लूप में क्यों बनाया,
क्या नीड क्यों पड़ी हमें सर्कुलर लूप में उसको कन्वर्ट करने की? बिकॉज द सर्कुलर लूप मेक्स द स्ट्रोंगर फील्ड देन द स्ट्रेट वायर. ठीक है, ज़्यादा फील्ड स्ट्रॉन्ग बनता है सर्कुलर लूप के केस में एज कम्पेयर टू स्ट्रेट वायर. तो इसीलिए हमने स्ट्रेट का एक सर्कुलर लूप बना दिया. ठीक है, ओके, नाउ यू कैन सी द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ओवर हेयर. आप सर्कुलर लूप में देख सकते हैं वही सेम रूल, राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल. ठीक है, उसी को अप्लाई करेंगे और हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि सेंटर में, सर्कुलर लूप के सेंटर में सभी फील्ड लाइन्स जब इकट्ठी हो जाएंगी दे विल मेक अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एड अप एट द सेंटर एंड मेक द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर. How to increase the strength of the magnetic field at the center of the loop? Now again the question कि अगर हमें और ज़्यादा increase करना है magnetic field, तो how we can increase? कैसे कर सकते हैं इसको increase? Similar way जैसा हमने straight wire में किया था कि current को increase कर दीजिए. ठीक है, तो if we increase the amount of current, then your magnetic field strength will also increase. Now the next factor we have, how does the magnetic field change if there are five loops? One loop की जगह हमने five loops ले लिए, एक के ऊपर ना, आप देख रहे हैं फिगर में कि हमने five loops ले लिए. तो क्या होगा, आपका जो magnetic field होगा वो सभी five loops बनाएंगे और सब add up होकर बढ़ जाएगा field आपका. ठीक है, तो अगर five loops की जगह we take n loops, n number of loops, तो n टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड. तो सेकेंड फैक्टर वी हैव बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स. फर्स्ट फैक्टर अमाउंट ऑफ करंट, सेकेंड फैक्टर नंबर ऑफ टर्न्स. नाउ आफ्टर दिस वी हैव टू स्टडी कि विच साइड इज नॉर्थ एंड विच साइड इज साउथ. ठीक है, जैसा कि बार मैग्नेट में बहुत सिंपल वे में दिया होता है कि एक पोल आपका नॉर्थ पोल है एंड द अदर इज साउथ पोल, तो ये भी तो मैग्नेट बन गई है. तो अगर मैग्नेट है तो इसके भी दो पोल्स होंगे. ठीक है, तो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल? नाउ इट इज वेरी इजी, यू कैन सी हियर, इफ द करंट फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन द पोल विल बी साउथ. ठीक है, तो ये आपको साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग लर्न करना है. नेक्स्ट, इफ द करंट इज फ्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज देन इट विल बी नॉर्थ पोल. और यहां पर आप एक मेमोरी टेक्निक लगा सकते हैं. यू कैन सी इन एंटी वी हैव एन अल्फाबेट, है ना, एन आपका अल्फाबेट दिया हुआ है एंटी वर्ड में. तो उससे आप याद रखिए कि एंटी क्लॉकवाइज में कौन सा पोल बनेगा आपका, नॉर्थ पोल. थर्ड शेप वी हैव अ सोलेनोइड. ठीक है, हमने फर्स्ट शेप स्ट्रेट वायर कर ली, सेकेंड शेप सर्कुलर लूप हो गया, नाउ द थर्ड शेप वी हैव सोलेनोइड. सोलेनोइड क्या होता है? नंबर ऑफ सर्कुलर लूप्स, उन्हीं को कहते हैं ना. अगर आपके सर्कुलर लूप्स को हम इकट्ठे बना दें लाइक अ स्प्रिंग, स्प्रिंग में भी तो क्या होते हैं, बहुत सारे सर्कुलर लूप्स ही होते हैं. ठीक है, तो हमने उनको, यू कैन लर्न द डेफिनेशन ऑफ सोलेनोइड फ्रॉम हेयर. इट इज अ लॉन्ग कॉयल मेड ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स. ईच टर्न ऑफ द सोलेनोइड इज अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप. ठीक है, तो जब आप करंट देंगे तो हर एक लूप की तरह एक्ट करेगा और एक एक लूप अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा. तो जितने ज्यादा लूप्स होंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगा. तो सोलेनोइड का आगे फिर वही पर्पस है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग बनाता है. तो इसीलिए हमें ये स्ट्रेट से हमने सर्कुलर लूप बनाया, सर्कुलर लूप से हमने सोलेनोइड बनाया. नाउ यू कैन सी हियर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑल्सो. ठीक है, आप देखिए अगर एक सर्कुलर लूप की अंदर से बाहर मूव करती है, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा, तो अब इस स्लाइड में आप देख रहे हैं आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड दे आर सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द बार मैग्नेट. व्हाट पोल इज दिस एंड ऑफ द सोलेनोइड दैट हैज क्लॉकवाइज करंट? अब आप ये क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं, तो इस साइड आप देखिए करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज करंट है. तो क्लॉकवाइज करंट की वजह से कौन सा पोल बनेगा ये? इट विल बी साउथ. वेरी गुड. ठीक है, तो अगर एक साइड आपका साउथ है तो ऑटोमेटिकली द अदर साइड विल बी नॉर्थ पोल. नाउ वी कैन सी द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इन साइड द सोलेनोइड. इन साइड द सोलेनोइड कैसी होंगी फील्ड लाइन्स? दे ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है, हमने आउटसाइड द सोलेनोइड देखा था, दे वर नॉट पैरेलल.
तो हम क्या कहते हैं उनको, दे आर नॉन यूनिफॉर्म, बट इनसाइड द सोलेनॉइड दे आर पैरेलल, मींस दे आर यूनिफॉर्म इन द स्ट्रेंथ. ठीक है, अंदर सोलेनॉइड के जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ रहेगी, इट विल बी सेम एवरीवेयर इन द सोलेनॉइड. ओके, नाउ एट लास्ट वी हैव ऑल दीज पैटर्न्स. ठीक है, तो आप ये अपने डायग्राम अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हैं तीनों के तीनों शेप्स के. ओके, हाउ कैन वी चेंज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड. तो स्ट्रेट कंडक्टर वी हैव डन, सर्कुलर लूप में हमने फैक्टर्स पढ़ लिए, तो लास्ट शेप वी हैव सोलेनॉइड. इसमें कैसे करेंगे, फर्स्ट तो वही रहेगा कि आप करंट का अमाउंट बढ़ा सकते हैं, सेकंड टर्न्स को बढ़ा सकते हैं अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग चाहिए. अब थर्ड यहाँ पर फैक्टर एड ऑन हो गया, आप सॉफ्ट आयरन कोर को यूज कर सकते हैं. ठीक है, वी कैन यूज अ सॉफ्ट आयरन कोर. आप इसको इंसर्ट करेंगे सोलेनॉइड के अंदर तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा. ये सॉफ्ट आयरन की प्रॉपर्टी होती है, इट इंक्रीजेस द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, नाउ द लास्ट वी हैव, इफ वी आर कीपिंग सॉफ्ट आयरन कोर इन द सोलेनॉइड, इट बिकम्स अ इलेक्ट्रोमैग्नेट. नाउ स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियो विल टेक अप इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड द परमानेंट मैग्नेट. I hope you all have understood the concept of magnetic effects of current. Okay, students, thank you.